नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। कल 26 सितंबर को आश्रम पद्धति का पेपर हुआ है। मैं लेक्चरर मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ। सारे के सारे आंसर्स देखेंगे, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ 99% क्वेश्चन सही हैं और उसके आंसर भी सही हैं। GS के भी आंसर सही हैं, मैथ्स के भी आंसर सही हैं। एक या दो क्वेश्चन गलत भी दिए गए हैं आयोग की तरफ से, उसको भी डिस्कस किए करेंगे। तो आप लोग OMR शीट लेकर बैठ जाइए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर सेट सी है तो चुपचाप टिक लगा लीजिए और देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक आंसर्स हैं जो कि मेरे द्वारा खुद सॉल्व किए गए हैं। 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स उसका आंसर बता दीजिएगा। 120 में से 118 क्वेश्चन के आंसर मैं लेकर आया हूँ। सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं तो वो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस हैं, वो आप लोग जानते हुए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये रहा, कुछ यहाँ पे रोल नंबर मैंने हाइड कर रखा है तो वो आप लोग के काम की नहीं, इसलिए हाइड कर रखा है। कुछ इंफॉर्मेशन छुपानी पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन जो शुरू होगा GS से शुरू होगा। 1 से 40 तक पहले GS करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ मैथ्स देखना चाहते हो तो मैथ्स सेक्शन में चले जाइए, वीडियो को 2-3 मिनट आगे कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे GS का आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था। तो जॉन मार्शल साहब ने कराया था। पहले का आंसर बी हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। तो आप लोग भी जानते हैं, ओलेटी नाम है उसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओलेटी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है। तो जानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल तीनों में है नीलगिरी बायो जो आपका स्फीयर रिजर्व है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने छोड़ कर आएगा। ये क्वेश्चन आसान है, आप देखिए कैसे, 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, हो गया, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आया, 4 × 5 = 69 आ गया। अब इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 65 आ गया, यहाँ आ गया ना। अब इसी तरह इसमें कीजिए, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर कीजिए, 25 हो जाएगा, 9, 4, सबको ऐड कर दीजिए, कितने हो गए आपका, हो गया ये कितना, 38 हो गया कि नहीं, 5, 4, 9, 18 हो गया, इसमें 4 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 34 आ गया। इसी तरीके से इसको कीजिए, क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 × 9 = 16, 9 = 25, 5, 34 आ गया, 34 में से 4 माइनस कर दीजिए, 30 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो इस रीजनिंग का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को लगेगा कि जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको सॉल्व करा दूंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कितना गोले की वास्तविक त्रिज्या निकालनी है। गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 बढ़ जाता है, तो उसकी वास्तविक त्रिज्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सौ झील मैनपुरी में सही है, शेखा झील जो अलीगढ़ में ये भी सही है, बकीरा झील संत कबीर नगर में ये भी सही है, सरसई झील आपका इटावा में है, आगरा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो आप भी जानते हैं लिम्पोपो, लिम्पोपो वो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो क्वेश्चन आप जानते हो उसमें मैं बता दूंगा कौन सा आप जानते हो। सियाचिन हिम नदी नुब्रा घाट में, इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं ये बताना है, सोना पानी हिम नदी ये सुमेलित नहीं है, ये गोरी गंगा में नहीं है। अब मीठा जिहुआ मतलब जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो जीभ में आपको मीठे स्वाद का पता जो है अग्रभाग द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको टिप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आंसर मिला लीजिए जीएस का, मैथ्स तो इंग्लिश ही में कराऊंगा। किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना चाहिए, अपितु जमींदारों व पूंजीवादों से भी अलग कराना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इन दोनों नामों में, ए और बी, महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक में, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। अगर मैं इसका आंसर लगाऊंगा तो महात्मा गांधी पे भी मैं जा सकता हूँ, इंदुलाल याग्निक पे भी जा सकता हूँ। इसका अगर मैं बताऊँ तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो इसका अगर आप लोगों ने ऑप्शन लगा रखा है ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग उस पे जाइए, ऑप्शन नंबर ए जहाँ तक मुझे पता है 80% के आसपास सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास पर 2021 का मुख्य शीर्षक है? तो ये आप जानते हैं, इसका जो मुख्य शीर्षक है वेलविंग वाटर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सॉल्व कराऊंगा तो ये आंसर की ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है? तो बस आंसर बता रहे हैं, जहाँ भी सॉल्यूशन होगा बताया जाएगा वो करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये एक मानव निर्मित जलाशय, तो बस ये ऑप्शन नंबर 2 है, केवल 2। लखीमपुर जो है खीरी में ये स्थित नहीं है, सुर सरोवर जो आपका गुजरात के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में कराए कालीन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? भदोही को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र निवास करती है? तो ऑप्शन ए 77.7% निवास करती है। ये देखिए लहसुन है आपका किसमें, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको मिलान करने वाला है, तो लहसुन आप भी जानते हैं, लहसुन तो नहीं पता लेकिन प्याज मुझे पता है, जहाँ तक प्याज की उम्मीद है, प्याज आपका होता है, इसका क्या आंसर होगा एक मिनट रुकिए, ये इसका आंसर भी जिससे प्याज जो होता है आपका गाजीपुर में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा कैंसर जो पूरे विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है? जन्म कोशिका ट्यूमर जिसका नाम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन है? तो सीआर दास है, चित्तरंजन दास है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें आपको मिलान करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, टांबोआ नदी आप जानते हैं सिक्किम में, बस इतना ही जानते हैं ना, तो आप कर लेते, एक और थ्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश निम्न जिले में अवस्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, अभी हाल ही में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है? तो इसमें मिलान करना है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लुजोन प्रशांत महासागर, वैभिन आर्कटिक महासागर, इस तरीके से मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो विटामिन के है वो सुमेलित नहीं, बाचपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में अभी हाल ही में उसने क्या किया था? लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें 16 डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, 26 का बी आंसर हो जाएगा, वाराणसी ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिलान करने वाले बहुत सारे पूछे गए, तो इसका भी आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आयोग की तरफ से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में अगर मिलान करने वाला ना आए, तो ज़्यादातर जो 60% चांस है 1, 2, 3, 4 ही वाले सही होते हैं, मतलब जो A1 है, B2 है, C3 इस तरीके से सही होते हैं, उस तरीके कर लीजिएगा। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 29 देखिए, 120 तक करना है, जल्दी लेकर आते हैं। तो 29 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो माल और सेवा करनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई, तो 2018 में की शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो अग्निमित्र मौर्य वंश का शासक नहीं है। कुड़ाल कौन है? पता नहीं, कुड़ाल के लिए क्या है, इसमें भी बहुत लोग डाउट होंगे, कुड़ाल भी तो हो सकता है, कुड़ाल एक नाम था उसके अंदर, लेकिन चलिए अगर डाउट में होगा तो देखा जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग की तरफ से बी ही लगाया जाएगा, 32 के बी, और मेरी तरफ से भी बी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम किसके द्वारा की गई? वर्ष 2014 में की गई। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो एक्स वाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आर्यक स्तंभ कहाँ पर? तो आर्यक स्तंभ जो आपका सांची में है, विशेषताएं बताता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 मैथ्स का क्वेश्चन, ये सब तो आप लोग सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, समुदाय का संयोजन संगठन विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों से अध्ययन कराता है, संपरास्थिकी कराता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना, तो इसमें एनामोक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है यही सुमेलित है, नाइट्रेट का गैसी नाइट्रोजन में रूपांतर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है? चलिए मैथ्स का आपका 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला कह रहा है कि द लाइन आर वेक्टर दे रखा है A1 प्लस TB1 एंड आर वेक्टर A2 प्लस SB2 आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होगा? जब ऑप्शन नंबर सी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 होगा। आप भी जानते हैं कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 का आंसर क्या होगा?
इसमें आपको बताना है रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी एफ प्लस सी एच इजल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ ए फाइव बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, मतलब ए फाइव का जो ऑर्डर हो जाएगा आपके पास सी सिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसमें ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। आप देखिए ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, जीआईसी में क्या पूछा था, रेडियल कंपोनेंट पूछा था, तो रेडियल जब पूछा था तो डी था इसका आंसर, लेकिन अब इसमें ट्रांसवर्स पूछ दिया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ये टू आर थीटा डबल डैश, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए, इसमें एक्स की वैल्यू पूछा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको एक्स की जगह पुट करके देखिए, सेटिस्फाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, उसमें भी था, तो इसमें रिपीटेड हो या ना हो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको क्या बताना, जल्दी आंसर देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टू स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू दे रखा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे मान लीजिए एक स्फीयर ऐसे है, ठीक है, ऐसे कट कर रहे हैं तो ऐसे सर्कल बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये आर वन है, ये आर टू है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्ट इसको डिस्टेंस को आप निकाल लीजिए कोई भी फॉर्मूला लगा के, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अगर 49 आंसर को अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ए इजक्ल टू बी इजक्ल टू सी इजक्ल टू वन रख दीजिए, जब वन रख के सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 4ABC आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब अ लाइन लाइंग इन वाई जेड प्लेन इज इंक्लाइंड एट द एंगल अल्फा विथ जेड एक्सिस, इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर जीरो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसको तो आप लोग सॉल्व किए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपसे लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, मतलब नाभिलंब की लंबाई पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें A3 के 3 सिंबल है, अल्टरनेटिंग ग्रुप पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में क्या पूछा है, इफ एट एनी स्टैंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी अ यू एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा टू द होरिजिन, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल इट मूविंग एट राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू अपॉन जी साइन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 वाला ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो ये पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहली बात देखिए लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग कॉस एक्स का जब भी 0 टू पाई बाई 2 के बीच इंटीग्रल निकालेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव किस ऑप्शन में, ए और सी में, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, अगर आप लोग को पता भी नहीं होता ना इस तरीके से तुक्का लगाते ए और सी में से आपका सही हो जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 55 का ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या था, ए इक्वल टू 1/B था, यहाँ ए इक्वल टू 2/B दे रखा है, ये भी सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें आपको बताना था कि ये एक लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट करता है द प्लेन, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें इसकी वैल्यू रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में आपको क्या बताना है, हार्मोनिक मीन बताना, ये भी जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आप जानते हैं रूट का क्या होता है, 2α β अपन अल्फा प्लस बीटा होता है, मूलों का आपका गुणनफल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, यहाँ से होगा कि नहीं, 2C/A, और नीचे क्या हो जाएगा, -B/A होगा, तो B/A हो जाएगा प्लस में, तो 2C/B आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब 59 है, तो इसमें आप लोग वैल्यू रख दीजिए, आराम से कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 60 में देखिए, इसमें आपको नॉट डिसकंटिन्यूअस बताना है, मतलब फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस है वो बताना है, आप भी जानते हैं मॉड एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 में आपको मल्टीप्लिटी ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लास दे रखा है, आपको जनरेटिंग एलिमेंट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक बुलेट है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का डायनेमिक का, ये सब फॉर्मूले बेसिस है। अ बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम विच इज फ्री टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट एंड इज एम्बेडेड इन इट, व्हाट पोर्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जीआईसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने जीआईसी में आंसर में बताया था ना, तो बहुत से लोगों ने इसको कहा था कि सर आप गलत बता रही हो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से मैं वही बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। आप लोग के हिसाब से इसका आंसर क्या है, फिर से वही कमेंट बॉक्स में आप लोग करोगे सर ऑन टू हो नहीं सकता, तो इस हिसाब से आप लोग करिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे हिसाब से तो डी ही है, आप लोग जैसा भी समझें।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, GIC का रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, लिमिट का आंसर आया था। बहुत से लोग ना जिसने GIC का पेपर अटेंड किया होगा और आंसर की देख के गए होंगे मेरी वाली से, तो बहुत से लोगों ने 25 क्वेश्चन ऐसे ही आग बंद करके मार दिया होगा। अब ये देखिए कॉस एक्स फंक्शन है क्या, कॉस एक्स फंक्शन 1-1 होता है, ऑनटो होता है, नहीं होता है, नीदर 1 नॉर ऑनटो, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 का आंसर क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है, इसमें डिस्टेंस निकलेगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही समतल में एक ही ऊपर स्थित हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आप 67 देखिए, 67 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, GIC का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा हूँ ना कि दो में से तीन में से आपको एक क्वेश्चन GIC का मिल जा रहा है पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, चलिए 69 का देखिए, 69 में एक्स इक्वल टू ई की पावर टी को आपको सब्सटीट्यूट करना है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में और आपको उसका कंडीशन बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थीटा क्यू प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू टी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ई टू पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर ई आ जाएगा। जो GIC का रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, हर तीन में से एक क्वेश्चन GIC का रिपीटेड मिल रहा है, ये भी GIC का रिपीटेड है, ये भी GIC का रिपीटेड है। देखिए इसमें आपको रैंक और नल्टी पूछा है, क्या पूछा है पहले ये देखिए, रैंक पूछा है, नल्टी पूछा है, तो GIC में भी नल्टी मैंने 0 बताई थी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसका कैसे बताई थी देख लीजिए जाके GIC में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई GIC का, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं रिपीटेड का तो बाहर आ गई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि आइसोमॉर्फिक ऑन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप है, ये आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अगर 73 आपको इस पर अगर आपको पता है 73 का आंसर क्या हो सकता है सटीकता के साथ, तो ये भी बता दीजिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100% प्योर। इसका जब आप रेडियस निकालेंगे ना, ये आपका आएगा कम से कम आप अराउंड मान के चलिए 12π के आसपास, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3π के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, जी क्रॉस जी टू, जी मैपिंग डिफाइन होगी। 76 क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन मैंने कहा था कि मेरे से नहीं हुआ है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन इसमें मुझे डाउट हो गया कि ये सीरीज कैसी होती है, मतलब एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वाली सीरीज मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो 76 को होल्ड पे रखिए, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने देखा एक क्वेश्चन छोड़ा है अभी तक, 77 का आंसर बताइए, 77 का आंसर GIC का रिपीटेड 2/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 में एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी और एंगल मतलब बी क्रॉस एम बताएं तो 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 79 का देखिए सर, 79 का आंसर, 79 देखिए, 79 आयोग की तरफ से गलत क्वेश्चन है, पहली बात तो बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सब लोग को नंबर मिलेंगे या इस नंबर को, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया था ये आया था, x³=yq + cy। ठीक है, 79 का आंसर ये है, x³=yq + cy। अब देखिए GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब θ³/3 का एक्सपेंसिव मतलब कोफिशियंट बताना, तो -1/√2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan−√1 − cos x / 1 + cos x को सॉल्व करने पे x/2 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 82, ये GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 0 है, कल r^n r वेक्टर। ठीक है, लॉग का ये आंसर आया तो इसमें x की वैल्यू रखिए, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर इसी की है, सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। और जब यहाँ पे ये है ना देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत दोनों साइड आपको क्या करना होगा, स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब हाईएस्ट पावर ये इसकी ऑर्डर 2 है, इसके पावर कितना है 2 है, तो मतलब डिग्री भी 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर। चलिए 85 क्वेश्चन देखिए, 85 क्वेश्चन में गॉफ निकालना है, GOF(x), तो ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर। 86 में भी बी हो जाएगा, z²+z की वैल्यू। 87 का जो आपके पास आंसर हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सब आंसर सही है। 88 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 13। 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 vector AB। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, GIC का रिपीटेड क्वेश्चन, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, s=c sin psi, कौन सा मतलब नॉट ट्रू है यही बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलो 91 हो गया, 120 तक पहुंचना है, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। 92 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज मोर देन 15 इन वन थ्रो विच 3 डाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/108। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें मुझे इसको मैंने अपने सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से तो 2 आ रहे हैं डायमेंशन।
आप लोग एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या आएंगे। जो जो जहाँ पे मुझे डाउट हो मैं बता दे रहा हूँ, और इसे 100% में मैंने बोला ना 98% क्वेश्चन सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ये भी GIC का रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 में कह रहा है इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर द पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा, मतलब एक समान कोणीय सर्पिल बनाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 97 कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बाई टू है, तो ए और सी में मतलब कौन सा एंगल बनाएंगे, तो 60 डिग्री का एंगल बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 देखिए, 98 का GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 98 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन इनवर्स बी बाई ए की पावर 1/3। 99 देखिए, 99 वाला ये अब जब करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व करने पे इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन भी दी गई है। क्वेश्चन 100 देखिए, 100 में आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसमें क्या बतानी थी, डायमेंशन बतानी थी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी कितनी होगी। पहले देखिए R3 में कितनी डायमेंशन ऑफ वी निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ वी टोटल क्या है, 3 है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दे दिए, मतलब तो एक माइनस के जितनी कंडीशन होगी उतना माइनस कर दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगी। 101 देखिए, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ये भी GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है। 102 देखिए, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू गिव अ पैराबोला फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कितने नॉर्मल इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसमें GIC वाले में कितना आंसर बताए थे हमने, इसका आंसर 3 हो जाएगा, मतलब कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 103 का जो आंसर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n(n-1)(u), ये मतलब इस तरह के फॉर्मूले बने हुए हैं। आप जानते हैं आयरल इक्वेशन क्या कहता है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल यू बाई डेल वाई, वैसे नहीं कहता वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसका आंसर nu होता है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दे रखा है, तो डबल डेरिवेटिव केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 103 का सी हो जाएगा। 104 देखिए, 104 आंसर, ये भी मैंने बोला था दो क्वेश्चन छोड़ा हूँ, तो यही दो क्वेश्चन छोड़ा हूँ। 104 इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ रखी है। 105 देखिए, 105 को जो आंसर होगा रीमान इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17/3 से। 106 देखिए, 106 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा 8/3, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू जो होगी 8/3 होगी। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, 107 में क्या पूछा है, वेक्टर दिया टी जे मैपिंग फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एम, डायमेंशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन, तो इसका आंसर होगा एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 108 देखिए, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है, 1/1 मतलब इसका इनवर्स निकालना है, तो इसको तो आप लोग कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, 109 में एक फंक्शन दे रखा है ए साइन यू एक्स प्लस 1/3 साइन 3x, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे मैक्सिमम है, ए की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 होगी, ए की 2 वैल्यू होगी। 110 देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इसको सॉल्व करने पे 6^n, ऑप्शन नंबर बी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें एन की वैल्यू आप 1 करके सेटिस्फाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 111 देखिए, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो डी, 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन 112 देखिए, ये भी GIC का रिपीटेड है, इसमें मैंने बताया था स्टोक्स थ्योरम की ये प्रूफ है, और ये एक स्टेटमेंट है, तो इसमें भी स्टोक्स थ्योरम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 113 देखिए, 113 में जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2x + y इक्वल टू इनटू पाई प्लस 4। 114 देखिए, GIC का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोशेट पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोशेट। 115 देखिए, 20 क्वेश्चन है होने वाले हैं। 115 में आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, तो AB-B है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपको बताना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर टू इट्स एजम्पटोट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका आंसर हो जाएगा xy = c², क्या होता है xy = c², ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 116 का सी हो जाएगा। 117 देखिए, 117 में आपको जो बताना है द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ अ पैराबोला हाइपरबोला एंड इसेंट्रिसिटी √3 इट्स इक्वेशन में भी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 117 का सी। 118 क्वेश्चन आयोग की तरफ से गलत है पहली बात, तो क्योंकि इसका जो रेडियस आ रहा है इसका आंसर 9 होना चाहिए, ठीक है, रेडियस 9 आएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके खुद देखिए, रेडियस 9 नहीं आई तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आयोग की तरफ से गलत दिया गया है, यहाँ पे माइनस होता तो ये आंसर सही हो जाता, बट यहाँ प्लस है तो इसीलिए ये आंसर गलत हो गया है। 119 देखिए, 119 में आपको बताना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा। देखिए इसी पे इस पेपर में दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आयलर इक्वेशन पे, तो इसके आंसर 2u होंगे, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पे आप डिग्री देख लीजिए निकाल के, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसमें 2 बस
टू यू लिख दीजिए, ये आंसर होता है। इसका बहुत आसान फॉर्मूला है, आप चाहोगे तो इसको बता दूंगा, एक मिनट में कंप्लीट कर लोगे। 120 देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेसिस पे है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स टच कर रहा है इलिप्स को, कब करता है आप भी जानते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तभी टच करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने कट ऑफ जाएगी, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई इस क्वेश्चन पर डाउट है और सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।